दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 6 जुलाई सन 2023। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में मूंगफली की बिजाई में शानदार इजाफा हो रहा है। साथ साथ जानिए मूंगफली दाना, मूंगफली तेल और मूंगफली खल के ताज़ा भाव। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले मूंगफली दाने के भाव। मूंगफली दाना, मूंगफली सीड यानी नागपुर में वाइट 50 से 60 काउंट का 11,200 के भाव है और 60 से 70 काउंट 11,500 के भाव हैं। गुजरात जाड़ा के अंदर 40-50 काउंट का 11,700, जयपुर में 40-50 काउंट 11,100, 50-60 काउंट 10,900 और 60-70 काउंट 10,800 के भाव हैं। 70-80 काउंट के 10,600 और 80-90 के 10,300 के भाव हैं। जोधपुर राजस्थान के अंदर 40-50 के 11,200 और 50-60 के काउंट के 10,700 के भाव हैं। 60-70 काउंट के 10,200 के भाव हैं। अब जानिए मूँगफली और तेल यानी ऑयल। बीकानेर के अंदर 1430, चेन्नई 1650, गोंडल 1700 और जामनगर 1700 के भाव हैं। मुंबई में 1700 के भाव हैं। राजकोट के अंदर भाव 1700 के बताए जा रहे हैं मूंगफली तेल के। मूंगफली खल के अदोनी 37,000, चलकेरे 37,000 और बीकानेर 38,000 से 43,000 के भाव ऑयल कंटेंट के हिसाब से बताए जा रहे हैं। अब जानिए गुजरात की महत्वपूर्ण खबर बिजाई के ऊपर। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में मूंगफली की बिजाई लगभग 31% तक बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। कच्छ और उत्तरी गुजरात में बुआई में आए उछाल के कारण चालू सीजन में अभी तक की अवधि में गुजरात के प्रमुख खरीफ तिलहन मूंगफली की बुआई लगभग 31% बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गुजरात कृषि विभाग ने अपने नवीनतम आंकड़ों में जानकारी दी है कि मध्य गुजरात को छोड़कर राज्य गुजरात के लगभग सभी प्रमुख मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में शानदार वृद्धि के समाचार हैं। उससे ये संकेत मिलता है कि गुजरात के किसानों को भविष्य में इस फसल की अच्छी कीमतें मिलने की उम्मीद लगा रहे हैं। नवीनतम आंकड़ों ने गुजरात कृषि विभाग ने अभी तक की अवधि में गुजरात की मूंगफली में 13,28,800 हेक्टेयर बिजाई होने का अनुमान लगाया है, जो एक वर्ष की समान अवधि में 10,14,700 हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। इससे यह भी पता चल रहा है कि पिछले सीजन की तुलना में इस बार अभी तक गुजरात में बिजाई मूंगफली की बुआई 3,14,100 हेक्टेयर या लगभग 31% यानी 30.95% की बढ़त दर्ज हो चुकी है। सौराष्ट्र गुजरात का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक क्षेत्र माना जाता है और सबसे पहले इसी क्षेत्र की हम लोग चर्चा करते हैं। गुजरात के कृषि विभाग के अनुसार अभी तक की अवधि में सौराष्ट्र में मूंगफली की 11,55,300 हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जो पिछले सीजन के मात्र 9,05,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। अतः इस सीजन में अभी तक सौराष्ट्र में मूंगफली की बुआई में 2,50,300 हेक्टेयर या 27.65% की वृद्धि है। सबसे अधिक बिजाई कच्छ एरिया में आई है गुजरात में, और वहाँ के आंकड़ों में ये पता लग रहा है कि अब तक कच्छ में मूंगफली की कुल 21,000 हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जो पिछले साल मात्र 10,700 हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। इससे ये पता चल रहा है कि पिछले सीजन के मुकाबले में कच्छ की मूंगफली की बुआई 10,300 हेक्टेयर या 96.26% का सबसे अधिक जंप या उछाल देखा गया है। उत्तरी गुजरात की बात करें तो अभी तक मूंगफली की कुल 1,49,800 हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जो पिछले सीजन में समान अवधि में 93,300 हेक्टेयर में हुई थी। तो यहां भी उत्तरी गुजरात में 56,500 हेक्टेयर या 60.55% का इजाफा देखने को मिला है। दक्षिण गुजरात की बात करें तो अभी तक 300 हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जो पिछले सीजन की समान अवधि में इसकी 200 हेक्टेयर में हुई थी। तो इससे पता लगता है कि इस सीजन में दक्षिण गुजरात में भी 100 हेक्टेयर या 50% का जंप यहां भी है। अब मध्य गुजरात में सभी प्रमुख मूंगफली उत्पादक क्षेत्रों में उसके खबर विपरीत है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य कृषि विभाग ने मध्य गुजरात में इस बार अभी तक मूंगफली का कुल 2,500 हेक्टेयर में बिजाई की है। पिछले सीजन में समान अवधि में 5,400 हेक्टेयर में बिजाई हुई थी। अतः ये गुजरात के बाकी इलाकों के मुकाबले मध्य गुजरात पिछड़ रहा है और इस बार अब तक मूंगफली की बुआई में 2,900 हेक्टेयर या
53.70% की गिरावट की स्थिति बनी हुई है। यानी मध्य भारत, मध्य गुजरात की स्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वहां पर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं माना जाता है। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट जो कच्छ का इलाका है, जहाँ पे जो सबसे अधिक, हम लोग सबसे पहले उसी की आपको रिपोर्ट दिया, सौराष्ट्र सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र माना जाता है, उत्पादक क्षेत्र माना जाता है, अतः हमें सबसे ज़्यादा सौराष्ट्र पर ही नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, आगे आ रहे समय में मूंगफली पर क्या होने की संभावना है, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल हमने मूंगफली पर आपको तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था और मूंगफली ने शानदार तेजी दर्ज हुई थी, जबकि मूंगफली के अलावा सभी खाद्य तेल, चाहे वो सोयाबीन हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, पाम हो, उसके अंदर सभी के अंदर गिरावट थी, लेकिन मूंगफली के किसानों ने जमकर पैसा बनाया था और उसका निर्यात भी शानदार हुआ था क्योंकि चीन ने जबरदस्त खरीदारी मूंगफली तेल की भारत से की थी। दोस्तों, अद्भुत जानकारियां, मिनट टू मिनट की खबर, हर इलाके की खबर, देश विदेश की खबर के लिए देश का पहला चैनल है अजय एस्ट्रो मनी गुरु। दोस्तों, 77 लाख से ज़्यादा देखे जाने वाला, 64,500 यूजर वाला देश का मल्टी कमोडिटी का देश का पहला चैनल, तिलन हो, दलहन हो, मसाला हो, कपास हो, गवार सीड हो, सोना चांदी हो, कच्चा तेल या फिर तांबा या स्टील, शेयर बाजार, करेंसी, इस पर विशेष रिपोर्ट हमेशा उपलब्ध है, सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।